नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहती हूँ वो है गाय। आप दिल्ली के रोडों पे देखोगे तो गाय आपको हर जगह दिखाई देगी, हर पार्क में दिखाई देगी, झुंड पे झुंड दिखाई देगी। आप ये नहीं कह सकते कि एक गाय की दो गाय। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो गाय है ये रोड पे इतने तादाद पे क्यों है? क्या ये गाय का अधिकार नहीं कि इन्हें भी किसी सुरक्षित जगह रखा जाए? या जो लोग गाय पाल रहे हैं वो दूध निकाल के फिर इन्हें छोड़ देते हैं और वो यहाँ वहाँ भटकते हैं। गाय बहुत सीधी होती है, उसे समझ में नहीं आता, वो रोड में अपने काम करते रहते हैं, खाते रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, लेकिन इस रोड पे उन्हें जाने पे बहुत सारे उनके साथ छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती है। जिस तरह इंसानों के साथ होती है वैसे इनके साथ भी होती है। कभी इन्हें चोट लग जाती है, कभी कुछ लग जाती है, कभी ये हड़बड़ा के जो है सामने वाले यानी जो गाड़ी हो चाहे जो बच्चा हो वो उन पे जो हमला नहीं करते लेकिन एक हड़बड़ाहट के चक्कर में उन्हें भी चोट लग जाती है और उनका उनके साथ भी दुर्घटना हो जाती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये गाय जो है, अगर आप देखा जाए तो मुझे जो समझ में आ रहा है इन गायों का जो है, गाय को दूध निकाल लिया जाता है फिर इन्हें छोड़ दिया जाता है। अब ये जो गाय है मैं दिखाती हूँ, मैं आपको एक पार्क में लेके आई हुई कि जहाँ छोटे 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 इस तरह देखिए, वहां देखिए, वहां देखिए, आप वहां देखिए, दूध निकाल के इन्हें छोड़ दिया जाता है। तो क्या गाय एक पैसा कमाने का एक साधन बन गया हुआ है? जहां हमारे यहाँ गाय को एक माँ की तरह पूजा जाता है, अब माँ बूढ़ी हो जाए तो इसे छोड़ा ना जाए ना। आप ये देखिए, ये तो मैं एक गार्डन का आपको वीडियो दिखाई हुई हूँ, अब मैं आपको कुछ टाइम पे रोड पे लेके जाऊंगी। अब आप देखिए ये एक मैं दूसरे रोड पे आई हूँ और यहाँ आप देखिए ये जो गाय है ये जो बीचों बीच है और वहाँ से लोग जा रहे हैं। अब बताइए अगर इन्हें चोट लग जा रही है या उन्हें चोट लग जा रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो गाय पालते हैं और इनसे दूध निकाल लेते हैं फिर इन्हें रोड पे छोड़ देते हैं कि ये चरे खाए, लेकिन जिनसे इनकी रोजी रोटी है कम से कम वो इनके बारे में सोचे तो सही। ये कभी नुकसान नहीं देती लेकिन ये डर के कारण जो है हादसा हो जाता है। अब मैं कुछ लोगों का यहाँ आने जाने वाले लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ, देख पूछती हूँ कि वो क्या कहते हैं। भैया रुकेंगे? आप रोज इस रोड से गाड़ी चलाते हैं? हाँ, ये जो ऐसी गाय जो है ये इसी रोड पे की और भी कहीं है? ये वाली जो गाय तो इससे परेशानी होती है? मतलब परेशानी किस चीज़ की होती है आपकी? अच्छा, और बस यही पर आपको कोई दिक्कत नहीं होता गाड़ी लेके आने जाने में? तो होती है, रोड पर बैठे। तो कहीं मतलब कुछ छोटी मोटी ऐसे चोट गाड़ी वगैरह पे या इन्हें चोट नहीं लगती है? लगती है, सब बचा के जाते हैं। अच्छा, आप सब बचा के जाते हैं, ठीक। ये देखिए अब ये वीडियो मैं फिर से चालू की हुई हूँ दोबारा। अब मैं फिर यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों से पूछती हूँ कि गाय कितनी सुरक्षित है। भैया ये जो आप यहाँ से आ रहे हो और ये जो गाय है यहाँ पे काफ़ी सारी मैं देखती हूँ यहाँ पे और आगे भी, तो इससे कुछ तकलीफ है आपके आने पर? सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं ना, एक बार तो मेरी बैग से हो गया था,
अब तो मेरे ख्याल में 2 महीने से बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, और इसका कारण क्या है, ये गाय इतनी सारी आई कहाँ से रही है? अब ये पता नहीं क्यों इतना इकट्ठा हो गया है यहाँ पे एक साथ ही, ये काफी ज्यादा बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। सही में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, लेने जा रहा हूँ, कुछ सुबह मॉर्निंग में तो इतना होता है, मॉर्निंग में ये होता है जो वो जो लेके आते हैं ना कुछ घर से आने के लिए, कुछ उनके लिए बासी कुछ बचा हुआ है, तो उससे ज्यादा इकट्ठा होता है। लेकिन ये इसी रोड पे नहीं, सभी रोडों पे मैंने देखा हुआ है, गार्डन में भी मैं देखी हुई हूँ। आप किसी भी रोड पे जाएंगे तो 10-15 गाय से कम नहीं मिलेगी, हर 100 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे कूड़ा ज्यादा करते हैं ना लोग, कचरा ज्यादा डालते हैं वहाँ पे और ज्यादा इकट्ठा। अच्छा, ये गाय आवारा गाय है कि कैसी गाय है? बात किया है, ये गाय जो है आप देखिए एक एपिसोड रहता है, जब इनका दूध निकालेंगे ना शाम को, फिर वो वहाँ इधर उधर बांध लेंगे, इनका दूध निकाल लेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये गलत बात है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, ये बहुत बेकार चीज है। अब तो ऐसे खुला छोड़, अब तो ज्यादा ही हो रहा है, बस ऐसा तो नहीं था। मेरा प्रश्न ये है कि जो गाय मुझे देख रही दुधारू गाय है, ये कहीं ना कहीं कमर्शियल यूज में है, आप इनका दूध बेच रहे हो, तो आप अगर इन्हें बेच रहे हो, इनसे पैसे कमा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनकी भी जान की सुरक्षा, जो दूध निकाल रहा है, जो इसे पाल रहा है, ये उनकी जिम्मेदारी है। वही कहना चाह रहा हूं, हिंदू धर्म के हिसाब से ये हमारी माँ है। दूसरी चीज, गाय किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन इस गाड़ी के आने जाने के चक्कर में वो डर से जो है यहाँ वहाँ भागने के चक्कर में एक बार नुकसान तो हो जाता है। एक बार तो ऐसा हुआ, मैं आपको बताऊँ, अभी लास्ट मंथ की बात है बेटा, वो राहुल में ऐसा मारा था ना, राहुल की मम्मा में, वो जो इनका वो है ना जी, वो ऐसा मारा था, तो काफी डर लगता है, इसलिए मैं ही आता जाता हूँ बाइक से। सरकार से कुछ अनुरोध करना चाहेंगे? यही है इनके लिए, जो इनकी मतलब वो करते हैं, इनका इनका प्रयोग करते हैं, जो इनका दूध निकालते हैं, जो इनसे लाभ उठाते हैं, तो वो सही रखें इन्हें, बस इतना ही है सरकार से, और क्या करना चाहेंगे। चलिए, थैंक यू। अब देखिए, अब मैं और जनों से भी पूछती हूँ, मैं कुछ बोलेंगे गाय के बारे में? आप हमेशा बस लेके जाते हो, अच्छा थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक ठीक ठीक, ये जो गाय है यहाँ पे, आप लोग यहाँ से तो हमेशा रोज निकलते हो, आप सभी यहाँ आ जाइए, तकलीफ ना हो जाए, आप भी अंकल यहाँ आ जाइए। गाय हमारी माता है और इन्हें चोट लग जाती है आपके आने जाने में, ये एकदम रनिंग रोड है जहाँ से रोज ये सब पालतू है, ये दूध काटते हैं, रोड पर छोड़ देते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं। हाँ जी, दूध काटते हैं। अच्छा, ये लोगों ने पाल रखी है, दूध काटते हैं, रोड पर छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, आइए आइए। ये लोगों ने पाल रखी है, दूध काटते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट होने के लिए। एक्सीडेंट किसका होता है? पब्लिक की परेशानी होती है, पब्लिक मिलती है, इंसानों का भी चोट लगती है, जानवर की भी लगती है और इंसानों की भी। कई बार एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे, तो इनके लिए कुछ है कि मतलब यहाँ के सांसद ने कुछ ऐसे सोचे हुए ना कि चलो ठीक है, जो पाल रहे हैं या जो पालतू भी है, जैसे नहीं तो छोड़ देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनका भी तो अधिकार है, इनका अधिकार ये है कि दूध काट लेते हैं, इनको रोड पर छोड़ देते हैं, फिर दूध काट लेते हैं। अगर गवर्नमेंट इनको पकड़ के इनके मालिकों पे चालान काटे तो कभी भी ये लोग रोड पे ना छोड़े। अच्छा, आपका सजेशन क्या है? ऐसे ऐसा ये है कि गवर्नमेंट जो है इन लोगों को गौशाला में बंद करे और इनके मालिकों को तब सौंपा जाए जब उनका चालान कटे, तब ये जो तभी जाके ये समस्या हल होगी। अच्छा, ये इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में घूम रही है, क्या इसे कभी स्थानीय मुद्दा बनाया गया हुआ है? मुद्दा किसको फुर्सत है मुद्दा बनाने की? नहीं, बाकी गरीबी की बात करते सारे। अब जैसे ये रोड है, इस रोड पे मुझे लगता है कम से कम 5,000 स्टूडेंट स्कूल से निकलते हैं। ज्यादा कई बार बच्चों को चोट लगी है, मार दिया है, जो सांड घूमते हैं हमारा पलट देते हैं, बच्चों को मारा है। लेकिन ये मुद्दा तो हमारा नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
अच्छा, इसके कुछ यूपी के अंदर हो, दिल्ली के अंदर हो, हरियाणा के अंदर हो, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर ये मुद्दा है, लेकिन इस पर कभी कोई सुनवाई नहीं होती। एक हम गाय को माँ कहते हैं, तो एक माँ जिसे माना जाता है और इसे हम रोड पे देखें तो क्या ये इतना उचित है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल उचित नहीं। मैडम जी, आप इस रोड को हमेशा सफर करती हो? ये यहाँ पे गाय, ये इस तरह आने जाने में आप लोगों को कुछ तकलीफ होती है? थोड़ा बहुत होती है। तो ये हमेशा क्या है? हमेशा रोज ही होता है। कुछ गाय को नुकसान या कुछ इंसान को या गाड़ी को ऐसे नुकसान हो जाते हैं? ये पीछे बीचों बीच सड़क पे ये खड़ी होती है। आप यहाँ से रिस्क तो है? हाँ, रिस्क तो है, कभी गाड़ी को लग जाए। हाँ, देखिए गाय कैसे गाड़ी लेके आ रहे हैं, जैसे टू व्हीलर वाले आ रहे हैं। हाँ, तो अभी कभी कभी गाय क्या करते हैं, सींग लगा के यूं पटक देते हैं। अच्छा, सींग लगा के पटक देते हैं। कभी बच्चे भी है, बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं। हाँ हाँ, कहीं गिरा दें। और भी देखिए, मैं आपको एक रोड का इंटरव्यू ले रही हूँ और एक रोड के बारे में बता रही हूँ, इसी तरह मैं आपको चार पाँच रोड के बारे में बताऊँ। अब आप देखिए, क्या इन गाय के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है कि नहीं, आप मुझे बताइए। जिस तरह इंसानों के साथ अत्याचार होता है, उसी तरह ये बिजुवन गाय के साथ भी अत्याचार होता है। अब मैं ये देखिए, ये मैं एक दूसरे रोड पे आई हुई हूँ, जहाँ आपको यहाँ पे एक गाय, अब आप देखिए, अब मैं आपको आगे चलते हुए दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये गाय रोड के बीचों बीच, एक गाय नहीं, दो गाय नहीं, अब आप देखिए, वहां से उन गाड़ी जो आ रही है उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, और ये देखिए इन्हें। सर, ये जो गाय यहाँ पे हमेशा रहती है इस तरह, तो ये आने जाने में कुछ तकलीफ होती है? ये गाय मतलब पालतू गाय है कि मतलब ऐसे छोड़ी हुई गाय है? यहाँ क्या होता है आपको बताओ बहन जी। हाँ, एक्चुअल में अभी इनको छोड़ दिया है। हाँ, फिर शाम को ये ले जाएंगे, दूध काटेंगे। हाँ, बेच देंगे। हाँ, फिर छोड़ देंगे। हाँ हाँ, यानी वो इसे एक कमाने का जरिया है, लेकिन वो इनकी सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। तो ये तो आपने कहीं वो कर दे तो वो बस जैसे दे देते हैं। हाँ हाँ, आने को कुछ भी जाएंगे। मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों की इस तरह आने जाने में चाहे गाय को चोट लगे या आपको चोट लगे? मैं बताता हूँ। हाँ, क्या होता है? हाँ, अभी यहाँ चलो आप मेन रोड पे। हाँ, मेन रोड पे मैंने वीडियो लिए हुए हैं। हाँ, वहाँ क्या होता है, मैं घर से ब्रेड लाया, आने लाया, कुछ लाया, फल फ्रूट सब वहाँ देता हूँ, पीछे से छाड़ आता है, गाय आती है एक लंबी, ऐसे उठा के फेंक देती हूँ, मैं बचाऊँ कई बार, ये राइट। लेकिन इनको सरकार क्यों नहीं करती? हाँ 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 हाँ, आप अगर तुम्हें ये कैमरा लग रही है सब जगह, यहाँ लगा। हाँ हाँ हाँ, तो जो ले जा रहा तो उसको पनिशमेंट दो ना। कुछ सरकार से कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, बोलिए आप। कुछ रास्ता बताइए कि मतलब गाय भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहे, और जो गाय का बिजनेस कर रहे, दूध निकाल रहे, जो उनकी रोजी रोटी है, तीनों बना रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, गौशाला बनाने चाहिए अलग से। आपने जैसे यहाँ बना रखा है मोहल्ला क्लिनिक, ऐसी जगह कहीं है गवर्नमेंट के सामने, उसमें आप इनको गौ माता पर रखो, सेवा करने के लिए हम आएंगे। अच्छा अच्छा, खर्चे की बात रही है। हाँ, जो हम पे बनाएंगे करेंगे, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ये काम करे, गवर्नमेंट इन्हें जगह दे, गौशाला बनाए, जगह तो चाहिए।
यहाँ कोई गौशाला है नजदीक में आपको कुछ पता है? यहाँ तो नहीं, यहाँ कोई यहाँ नहीं है। क्या एक ये जो गाय जो रोड पे है ये यहाँ की एक समस्या है कि नहीं है? बिल्कुल 100% समस्या है। हाँ ये ले जाते हैं, हाँ कुछ नहीं करते, दूध काट कर छोड़ देते हैं। भैया आप इस रोड पे कितने साल से गाड़ी चला रहे हो? दो साल हो गए। तो ये गाय जो है आपको इस हर रोड पे है कि इसी रोड पे है? सब रोड पे देखे हुए। तो कुछ आपको आने जाने में कुछ परेशानी या कुछ ऐसे भाई होती तो है, अब किससे बोलोगे क्या कहोगे? जो आपकी जो 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 आपकी ये है ना, जो आपकी जो है ना MCD दिल्ली वाली, ये मांग गंदी है। अच्छा ये काम करेगी तो काम कुछ होगा, कुछ कम नहीं होगा ऐसे, सब क्या काम करो? सुनो आप नहीं करो, आपको करना पड़ेगा। सर यहाँ आइए ना, 2 मिनट के लिए इंटरव्यू देंगे। सर आप इस रोड पे रोज निकलते हो, तो जो इतनी सारी ये जो है 15-20 गाड़ियां जो दिख रही है, गाय दिख रही है सॉरी, तो ये आने जाने में तकलीफ देती है कि नहीं? तकलीफ देती है। हाँ, ये लोगों ने पाल रखी है, सुबह दूध पकड़ने ले जाते हैं, दिन में ऐसे छोड़ देते हैं। हाँ, और अभी आप ये तो कम दिखा दे रही है, अभी इस रोड में जब आए थे आपको पूरा रोड जाम देगा। ये हमें तो 20-22 साल हो गए रहते थे, ये सुबह गाय ले जाते हैं, अभी आएंगे शाम को फिर दूध के लिए ले आएंगे पकड़ के, अभी छोड़ देंगे। ये तो क्या मतलब सर? चलिए गाय आप निकाले कोई बात नहीं, आप गाय के दूध निकाले कोई बात नहीं, आप इन्हें पाले हुए तो आप अपनी जगह पालिए, लेकिन इस तरह मतलब ये बात नहीं होगा। नहीं नहीं आप मेरी पूछ सुनिए, आप निकाले पाले ठीक है, उनकी रोजी रोटी है, लेकिन अपने रखने का जगह होना चाहिए। आप उसे अपनी जगह पे रखिए, उसमें भी जान है, और ये कोई छोटा रोड नहीं है, एक हिसाब से रोड है। हाँ ये खुला और मेन रोड है, मेन रोड है। गाय कभी को किसी नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन वो हड़बड़ाहट में जानवर है ना, हाँ उन्हें भी नुकसान हो जाए, और जो चल रही है देखो दो चीज है। हाँ, हाँ, आप बिल्कुल सही है, एक ये ऑफिशियल है, क्योंकि मैं भी यहाँ जॉइंट फोरम का अध्यक्ष हूँ। कहाँ का? ये मयूर मिस्त्री का। अच्छा सर आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम है विजय सिंह रावत। हाँ, हाँ। और हमारे यहाँ जो RW हर पॉकेट में RW है। अच्छा मैं अपनी पॉकेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा सर आप किसी पार्टी से हो? नहीं पार्टी से नहीं, जय जी जेंटल वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा है। हाँ, हाँ, तो एक उसकी पूरी यहाँ हमारी जो दोनों पार्टो की बनी हुई है, जॉइंट फॉरम ऑफ ऑल RW है। हाँ, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, हमारे पास 60-70 RW है। हाँ, ये जो जानवरों की तकलीफ क्या है, तकलीफ कुछ नहीं, गवर्नमेंट MCDs के लिए कुछ नहीं कर रही है। और जिनका है वो इनके लिए जगह की व्यवस्था नहीं कर रहे, परेशान कौन रखा आम जो यहाँ से मैं हूँ, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे ई रिक्शा हो, हम लोग परेशान हो रखे। देखो जानवर बेजुबान है, हमारे लिए तो हमारे दिन में तो इनके लिए जगह है। हाँ, हाँ, हाँ। हम तो इसलिए नहीं बोल पाते, चलो हमारे हिंदू धर्म में जो है ये हमारी माँ है, सीधी हाँ, हाँ, बात है नहीं, इसलिए हम नहीं बोल। लेकिन जो उसको पाल रहा है उसकी व्यवस्था, अगर उसका दूध बेचता तो उसको रहने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, जो घरेलू जो डेयरी फार्म है इन्होंने फ्लैट बना दिया, ऊपर फ्लैट बना दिए, जो उनकी रखने की जगह थी वहाँ उन्होंने किराएदार घुसेड़ दिए, ये यहाँ हो रखा। सर आप कुछ सरकार से कहेंगे या कुछ ऐसा रास्ता बताइए, सजेशन, कि जिनकी ये रोजी रोटी है वो रोजी रोटी भी अच्छी सी रहे, गाय भी सुरक्षित रहे, और जो आम जनता आ जा रही है उनके साथ भी कोई अप्रिय घटना न रहे। हाँ, या तो यहाँ पर जो कई डीजे के पार्क है, हाँ, या तो आवारा पशु के रहने के लिए वहाँ जगह दी जाए। हाँ, हाँ, और उसमें भी जो आता है कि मेरी गाय मेरा ये है उसको पेनल्टी लगाओ, क्यों लगा? गवर्नमेंट का काम है किसी भी चीज को व्यवस्थित तौर पे रखना। सर यहाँ के विधायक और सांसद, चलिए सांसद इसके पहले गौतम गंभीर थे, ठीक है, अब ये नए नए सांसद आए हुए हैं हर्ष मल्होत्रा जी और केजरीवाल सरकार, क्या इन्होंने इस चीज के लिए कुछ व्यवस्था की है? मैं आपको 100 बातों की बोल रहा हूँ, बोलते हैं ना पॉलिटिकल, कई बार पॉलिटिकल जवाब देना भाई पड़ जाता है। होता क्या है कि हर गवर्नमेंट ना दी जाती है हमारे अगर कोई बोले, अगर सरकार यही काम अगर दिल्ली सरकार अगर करती रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए, दिल्ली सरकार उसके ऊपर कानून बनाए इन जानवरों के लिए, तो मेरे ख्याल से जानवर जिंदा भी रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, और लोग जिनकी गाय जिनके पास जानवर वो भी उन्हें अच्छी तरह रखना चाहिए। पहली बात तो उन्हें कोई एक जागरूकता अभियान होता है, उन्हें जागरूक नहीं किया गया। हाँ, हाँ, आपका जानवर है उसे किस तरह रखना, और सरकार ने कोई ऐसी गाइडलाइन भी नहीं बनाई है। आप
अभी तो आप गायें देख रहे हैं, आप कुत्ते बाइट सबसे ज्यादा डॉग बाइट कर सकता है, कोई कानून नहीं बनाया गवर्नमेंट। मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ गाय का भी और इसका भी। गाय यहाँ हमारे यहाँ मरीज हुई थी, हमने फोन किया, करते 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 मतलब 18 घंटे बाद उठाने आए। कुत्ता काट के ले गया, बाइट काटने वाले मतलब हम इतने परेशान हो रखे इन जानवरों से। लेकिन क्या है कि हम इसलिए जानवर देखो, अभी कोरोना काल में क्या हुआ था कि हमने आपने देखा होगा जानवर भूखे रहते थे, तो आज भी अगर आप पार्क में जाएंगे तो वहाँ लोग सुबह शाम रोटी और उनको खिला रहे हैं। ये उनके प्रति मोहत है। ये तो कई लोग चलो ठीक है, 100 में से एक लोग होता है, कई हिंसक प्रवृत्ति हो जाते हैं कि आप जैसे आपको मान लो कभी डॉग ने बाइट किया हो तो आप डंडा मारोगे उसे। तो ये चीज है गवर्नमेंट इस चीज पर अभी तक नहीं बना पाई। यहाँ अगर कहीं ना कहीं अगर फेल हुई है तो जो कानून बनने चाहिए वो कानून बनाने में फेल हुई है। कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हाँ इस तरह रोड पे आने जाने के ये तो आप खुद जा रहे हो। आप आज आइए हमें जब इसके पैसा तभी तो आप हमारे से पूछो सवाल जो भाई आपने देखा, कई एनजीओ देखती है अच्छा इसके लिए भी एनजीओ गवर्नमेंट से पैसा ले रही है। ये तो आपको पता है कई एनजीओ जो इतना पैसा ले रही है गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट दे रही है, वो अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, काम थोड़ा कर रहे हैं ग्राउंड में, जबकि उन्हें काम करना चाहिए ग्राउंड में। अब मैं बोल दूंगा जी सांसद खराब है, विधायक खराब, ये कानून बनाने के लिए उसका काम है, हमारा काम क्या टेस्ट पेश करना। सर ये विधायक जी इसी रोड पे रहते हैं, इसी रोड पे रहते हैं। सर मैं एक चीज पूछूं, विधायक जी इसी रोड पे रहते हो, उनकी भी गाड़ियां यहाँ से आ जा रही है, ठीक है कुछ कानून नहीं बना हुआ है, लेकिन वो अपने आसपास के जो भी गाय पालने वाले हैं, तो एक नहीं होता कि भाई आने जाने में सबको तकलीफ होती है। बहुत अच्छी बात बोली विधायक जी, इस मोड़ से जाते हैं, मैं वो छोड़ दूं उस बात को। जो निगम पार्षद है वो भी भरोली की है ना, घर कोने में ही है, बिल्कुल जस्ट इससे 10 मीटर में घर है, सामने घर है उनका। अब विधायक तो रोड में जाता है, निगम पार्षद घर तो सामने है, जो कि एमसीडी में जिसका काम है ये, सोचने वाली बात तो ये है ना। अब वो अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट हम दे दें कि जी नहीं वो रहा, देखो जो काम करेगा सामने दिखा देगा, जो नहीं करेगा नहीं दिखा देगा। अगर मैं बोलूंगा तो बोलेंगे तो कांग्रेस का बीजेपी का है, अब बीजेपी वालों को जाएगा बोले ये आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का, मतलब ये लाचन लगाना इनका काम है और कोई काम नहीं, चाहे बीजेपी का हो चाहे सभी का ये काम है। आपको बोल देंगे आप बीजेपी के, मैं बोल दूंगा आम आदमी पार्टी की, ये अपना सेफ्टी दिखाना, एलजी नहीं दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा, पैसा तुम खर्च कर रहे हो। अभी आपने ड्रेनेज देख लो, आप जिस ड्रेनेज में करोड़ों रुपए खर्च हो रखे, लेकिन ड्रेनेज आप दे सकते हो। अच्छा करोड़ों रुपए बड़ी गंद बदबू आ मलाई गई है, मलाई ठेकेदारों को मलाई खिलाई गई है बस। कई ड्रेनेज तो ऐसे तो नाम नाम की बनी है, ऊपर से कवर कवर पड़े उनमें, अंदर से कुछ नहीं बना, देखने वाला कौन सर ये किसके अंदर है? हम ईमानदार है जी, हम ईमानदार जनता है। सर ये किसके अंडर में है ये सब? आपने अभी आप जाओ बोलेंगे जी ये डीडे के अंडर में, मैं वही इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं, लोगों को तकलीफ तकलीफ दे दी है। वैसे अगर नहीं भी है तो एमसीडी तो है सफाई काम, ये जानवरों का काम किसका है? देखिए ये रोड है ना, आपको पता है की कंडीशन खराब रहती थी, अभी जब से ये पिछली बार जब अतुल गुप्ता जी यहाँ के बने थे निगम पार्षद, तब से ये रोड बननी शुरू हुई है। ये रोड नहीं तो आप शायद इसको चल नहीं सकते थे, आप पता है कितनी खराब रोड थी। अभी इस रोड में जितनी इस रोड को ठीक कराने को दी जा रही है जानवरों की वजह से, ट्रकों की वजह से रोड उतनी खराब हो गई है। भाई हम तो किसी हम तो लिखित में ही करते हैं, मैं तो आपको लेटर भी दिखाया था, आज मैं कई बार चाह रहा हूँ, हमने तो कई बार लेटर लिखी हुई